अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, अलशरीफ आटो के साथ मैं हूँ मोहम्मद ईशान शानी और आप देख रहे हैं अलशरीफ आटो के। तो हाइब्रिड बैटरियों के अंदर अक्सर यू का जो ये फ्यूज़ होता है इसको लगाने का तरीका कई दोस्तों को नहीं पता। तो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि इंटरलॉक का कोड आ गया और ये कोड क्यों आया और इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि ये यू जो होता है, जो फ्यूज़ होता है हाइब्रिड का, ये अच्छे तरीके से नहीं लगता, ये सही बैठता नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह लगाएंगे। इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये आपने यू ऐसे लगा दिया फ्यूज़, फिर आपने इसको ऐसे बंद करना है। जो अक्सर दोस्त हैं वो इस यू को ऐसे करके छोड़ देते हैं, और जब ऐसे लगा के छोड़ देते हैं उनका ध्यान होता है कि ये यू जो है लॉक जो है लग गया है, फ्यूज़ लग गया है। तो दरअसल ये तरीका गलत है। जब आपने इंटरलॉक का कोड ख़त्म करना है, यू लगाना है, तो आपने क्या करना है कि इसको ऐसे आगे मूव करना, आगे करना है इसको। जब ये आप ऐसे आगे करेंगे तो इंटरलॉक का कोड ख़त्म हो जाएगा। अभी इस जगह पे इंटरलॉक का कोड आ जाएगा और इस जगह पे इंटरलॉक का कोड ख़त्म हो जाएगा। इस जगह पे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी और इस जगह पे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। ये यू लगाने का ये तरीका है। जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनके अंदर यू लगा के उसका लॉक आगे करेंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी। ये प्रियस 1800 थी, तो इसका बैटरी पैक चेंज किया, तो मैंने क्यों ना आपके साथ ये फ्यूज़ को, ये यू को लगाने का तरीका शेयर किया जाए। अलशरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी अफजाबाद।